अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इब्तदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे मैसी फर्गुसन 260 ट्रैक्टर का जो क्लच होता है, इसके अंदर एडजस्टिंग स्प्रिंग होते हैं। ये देखें, वो स्प्रिंग इसके टूट गए हैं। हम इसको दो टुकड़े करते हैं ट्रैक्टर को, तो फिर आपको दिखाते हैं कि वो स्प्रिंग कौन सा टूटा हुआ है। जो दोस्त मेरे YouTube चैनल ट्रैक्टर जोन 485 पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसका स्प्रिंग तो नहीं टूटा हुआ, इसका जो क्लच का बैरंग होता है, क्लच शिफ्टर, उसके आगे कॉलर बन चुकी है, जिसकी वजह से ये क्लच ऐसे फ्री हुआ था। फिंगर खराब है ना, वजह से फिंगर ये खराब है इसके दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इनकी वजह से ये सारा मसला हुआ। क्लच बहुत आगे चला गया, क्लच बहुत आगे चला गया। अभी हम इसकी फिंगर प्लेट खोलेंगे, मुकम्मल एडजस्टमेंट करेंगे, ये फिंगर ऊपर उठेंगे, जिसकी वजह से क्लच बहुत प्यारा बनेगा। इधर फिंगर बोल्ट लगते रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये कॉलर बनी है। जो फिंगर बोल्ट आपने पहले देखे ना, वो इधर लगने की वजह से ये कॉलर बनी है, जिसकी वजह से ये क्लच फ्री था। ये देखें दोस्तों, जिसकी वजह से ये क्लच फ्री था, अभी ऊपर आ रहा है। ये वाला जो बैरंग है, इसके आगे कॉलर बनी हुई थी। ओ इतना वाच ना पिंगे ना कूलर खले रख देंगे। बच्चों
Ya, ¿qué cambio? Escucha, toca, 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 toca,